प्रिय बच्चों नमस्ते। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको पार्ट दो जो हमने पीछे पढ़ा था उससे आगे का पढ़ा रही हूँ। कौन सा पार्ट था हमारा? फसलों के त्यौहार, उससे आगे का पढ़ा रही हैं। सभी बच्चे अपनी किताब में देखेंगे। लेकर रात भर नाचते गाते हैं चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल, वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गाँव, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है वे क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। बच्चों, इसमें क्या है, सरहुल का जो त्यौहार है उसके मनाने का बता रहे हैं कि स्त्री पुरुष जो है ढोल बजाते हैं और रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर छोटी छोटी घाटियों के पास जो क्या है, लंबे लंबे साल के वृक्ष हैं और वहीं पर पास में छोटे छोटे गांव जो हैं वो बसे हुए हैं। कैसे हैं वो गाँव के घर? कैसे हैं? लप्पे पुते और सही ढंग से साफ सफाई करके सजाए गए और अपने घरों के सामने ही लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का नृत्य करते हैं, बाहें में बाहें डालकर वो नृत्य करते हैं। फिर क्या होता है, उसके अगले दिन बच्चों वो लोग कहाँ जाते हैं? घर घर नाचते हुए घर घर जाते हैं और वहाँ पर क्या होता है, जो फूल देने वाले पौधे होते हैं उनको लगाते हैं। घर 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 में जाके चंदा मांगने की भी प्रथा है। चंदा मतलब बच्चों क्या है, चंदा यहाँ पर, चंदा का मतलब है यहाँ पर, चंदा का मतलब है बच्चों यहाँ पर दान। चंदा का मतलब यहाँ बच्चों क्या है, दान। दान मांगने का प्रचलन है। और क्या मांगते हैं वो लोग दान में? मुर्गा, चावल और मिश्री। इन चीज़ों को मांगने के बाद, दान में ये चीज़ें मिलती हैं, उनके बाद क्या करते हैं, वो मुर्गे को पकाते हैं। फिर उनका जाकर क्या होता है, खाने पीने का दौर। यहाँ पीने का मतलब मदिरा से है, शराब से, यानी वो मुर्गा खाते हैं, शराब पीते हैं, तब उनका ये जो होता है, फिर उनका खेलने का दौर, खेल का सिलसिला शुरू हो जाता है, यानी वो खेलने लगते हैं। उसके बाद तीसरा दिन, यानी पहले दिन तो वो नाचते गाते हैं, दूसरे दिन क्या करते हैं, नाचते गाते हुए घर घर में जाते हैं और दान मांगते हैं। तीसरे दिन क्या होता है, तब जाकर उनकी कहीं पूजा होती है। पूजा करने के बाद वो लोग क्या करते हैं, सरई का फूल जो होता है वो अपने कानों में पहनते हैं, जिससे कि पता चलता है कि इन लोगों ने पूजा कर ली है। इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है, बच्चों जो ये त्यौहार होता है सरहुल, इसी दिन से क्या होता है, बसंत ऋतु की जो होती है शुरुआत मानी जाती है, यानी बसंत की ऋतु शुरू हो जाती है। ये क्या करते हैं, इस दिन धान की पूजा करते हैं और जो धान पूजा में रखा हुआ होता है उस धान को उठाकर रख देते हैं और वो जो होता है जब धान की अगली फसल आती है उसमें वो उसको बोते हैं। आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। तमिलनाडु में मकर संक्रांति और फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। जैसा कि बच्चों हमने पढ़ा था, ये फसलों से संबंधित त्यौहार है। कुछ में फसलें पककर तैयार हो जाती हैं, कुछ घर में लाई जाती हैं। तो इस तरीके से तमिलनाडु में भी फसल क्या होती है, मकर फसलों से जुड़ा ये त्यौहार है। इस दिन चावल, अरहर की जो फसल है वो कट कर घर घर में पहुंचती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध, गुड़ डालकर इसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तमिलनाडु में बच्चों जो है मकर संक्रांति का जो त्यौहार है, यह फसलों से त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन जो खरीफ की फसल है, ये लोग खरीफ की जो फसल है चावल, अरहर,
जो फसलें हैं ये अपने घर पर ले आते हैं काट कर, और जो लोग होते हैं जैसे नया धान आया है उस धान को कूट कर क्या करते हैं, चावल निकाल लेते हैं और उसे नए एक नया मटका लाते हैं। उस मटके में क्या क्या डालते हैं, चावल दूध और गुड़ डालकर उसे क्या करते हैं, पकने के लिए धूप में रख देते हैं, आग में नहीं बच्चों। ये उनका त्यौहार इसी तरीके से मनाया जाता है, तो ये इसे क्या करते हैं, इसे धूप में रख देते हैं। और हल्दी जो होती है हमारे भी हिंदू उसमें हल्दी को बहुत ही माना जाता है, शुभ माना जाता है, इसीलिए ये लोग भी हल्दी को शुभ मानते हैं। और मटके के मुंह के चारों ओर शुभ होने के कारण वो उस मटका, जिस मटके में उन्होंने चावल दूध और गुड़ डालकर जो पकने के लिए रखा है उसमें के बाहर बांध देते हैं, क्या बांध देते हैं, हल्दी, क्योंकि वो शुभ है। इसलिए बच्चों तो इस मटके को दिन में 10:30-12 बजे तक क्या कर दिया जाता है, वो लोग क्या करते हैं 10:30-12 बजे तक इसे धूप में रख देते हैं। जैसे ही दूध में उफान, जैसे हमारा दूध हम गैस पे रखते हैं और उबल कर बाहर आता है, इसी तरीके से उनका दूध भी धूप में रखने पर, गर्म होने पर बाहर आ जाता है। तो दूध में जो चावल पड़े हुए हैं तो जाहिर है कि दूध के साथ चावल भी बाहर आएंगे। तो बच्चों वो जो है मटके से दूध, और जब दूध में उफान आता है तो मटके से क्या है, चावल और दूध जो है बाहर गिरने लगता है, और ये लोग क्या कहने लगते हैं, पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, यानी खिचड़ी में उफान आ गया, ये स्वर हमें सुनाई देते हैं। अगला पैराग्राफ देखेंगे बच्चों, दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान में यदि आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म जाति या आयु का हो पतंग उड़ाता है, हजारों लाखों में से लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। अब इसमें कहाँ की बात की है, गुजरात की, गुजरात में जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो किस प्रकार मनाया जाता है बच्चों, यहाँ पर ये जो त्यौहार है मकर संक्रांति का ये किसके बिगर, पतंग के उड़ाने के बिगर अधूरा है। जैसे हमारे यहाँ बसंत पर पतंग उड़ाई जाती है, बसंत हमारा पतंग के बिना अधूरा है, इसी तरीके से गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार भी पतंगों के बिना अधूरा माना जाता है। अगर हम आसमान में जिधर भी देखें तो उधर क्या दिखाई देती है, पतंग ही पतंग दिखाई देती हैं, हजारों आकार की, हजारों रंगों की, और क्या हुआ, आकाश में जो होती हैं लहराती रहती हैं, चाहे वो किसी भी गुजरात में, चाहे वो किसी धर्म का हो, जैसे हम जाके वहाँ बस गए हैं या और जाति के लोग वहाँ जाकर बस गए हैं, किसी भी धर्म का, किसी भी आयु का, चाहे वो जवान हो चाहे वो बूढ़ा हो, क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, हजारों लाखों पतंगे जो हैं, इतनी पतंगे उड़ती हैं कि वो क्या कर देती हैं, सूर्य भी पतंगों से ढक जाता है। अब बच्चे आगे फिर देखेंगे, अगला पेज पे आएंगे और देखेंगे, हुमायूं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाढ़ी के फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है, माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। ये काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह से करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है, बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ पर चले जाते हैं और उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। क्या है, कुमाऊं यानी पहाड़ों पर, कुमाऊं किसे कहा गया है यहाँ, कुमाऊं मतलब यहाँ पर पहाड़ के लोग से कहा गया है, जो पहाड़ों पर रहते हैं, कुमाऊं के लोग जो है मकर संक्रांति को क्या कहते हैं, घुघुतिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन ये लोग क्या करते हैं, गुड़ को पानी में भिगोया और उससे आटा मलते हैं, गुड़ के पानी से, जैसे हम पूड़े बनाते हैं या मीठी पूड़ी बनाते हैं, तो इसी तरीके से जैसे हम गुड़ के पानी से आटा गूंथते हैं, उसी प्रकार ये गुड़ के पानी से आटा गूंथ कर क्या बनाते हैं, पकवान, जो इनका पकवान है उसे बनाते हैं। क्या कहते हैं उसको, उस पकवान को कहते हैं घुघुतिया। वो किस प्रकार बनाया जाता है बच्चों, आटे को गुड़ के पानी से गूंद कर तब वो बनाया जाता है। उसमें जब ये पकवान बनाते हैं घुघुतिया, इसमें क्या क्या बनाते हैं, वो तरह तरीके के आकार देते हैं, उसमें आटे से तरी तरीके के आकार देते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाढ़ी के फूल, ठीक है, ये सब आकार उससे बनाते हैं, उस मीठे आटे से।
पकवान को तलने के बाद जब वो बन जाता है पकवान, फिर ये इसको तलते हैं, तल के एक माला में ये पिरो देते हैं। जैसे कभी कभी बहुत से धन के लोग जो होते हैं होली के भी पर्व पर मखाने गोले आदि की माला बनाते हैं, इसी तरह कुमाऊं में जब ये गुगुतिया का त्यौहार होता है तो ये जो है माला बनाते हैं और बच्चे को पहनाते हैं। उस माला के बीच में क्या होता है, संतरा और गन्ने की गंडेरी। बच्चों गन्ने की गंडेरी किसे कहा गया है, यहाँ गन्ने की गंडेरी से मतलब है यहाँ गन्ने को जो हम छीलते हैं और छीलने के बाद उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं, उसे हम गंडेरी कहते हैं। उसे भी माला में क्या कर दिया जाता है, पिरोया जाता है। और ये जो काम है, ये जो माला उला बनाने का काम है, ये बच्चे बहुत ही उत्साह से करते हैं क्योंकि वो उन्हें ही पहननी होती है और सुबह को वो माला जो होती है बनने के बाद बच्चों को मिल जाती है, इसलिए ये बच्चे जो हैं बहुत ही रुचि से बहुत चाह कर ये काम करने लगते हैं। और जब ये त्यौहार होता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है जैसा कि बच्चों बताया गया, तो ये ठंड के कारण जो है पक्षी जो है कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं। जब पहाड़ों पर पक्षी चले जाते हैं तो बच्चे जो हैं उन्हें बुलाने के लिए उस माला में से पकवान तोड़ तोड़ कर क्या करते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं। अपनी माला ली और उससे पकवान तोड़ा और पक्षियों को बुलाते हैं, क्या कहते हैं और क्या गाते हैं, कौआ आओ घुघुत आओ ले कौआ बड़ो मैके देजा सोने को भड़ो खाले पूरी मके दे मैके देजा सोने की चूरी। क्या गा रहे हैं बच्चे, इसे कौआ आओ यानी पक्षियों को बुला रहे हैं वो खाने के लिए, क्योंकि पक्षी जो हैं पहाड़ों पर चले गए हैं तो उन्हें बुला रहे हैं खाने के लिए। क्या आओ, कौआ आओ घुघुत आओ। घुघुत का मतलब यहाँ किससे है बच्चों, यहाँ घुघुत उसे कहा गया है जो एक फाख्ता चिड़िया होती है जिसके गले में काला सा निशान होता है, जो भू भू करके बोलती है, तो उसको यहाँ पहाड़ी भाषा में क्या कहते हैं, उसको घुघुत कहते हैं। तो कह रहे हैं कौआ आओ घुघुत आओ ले कौआ बड़ो, तो कह रहे हैं कौए से कह रहे हैं कि बड़ा ले ले, बड़ा मतलब जो दाल से बनाया गया एक पकवान है बड़ा, उसे कह रहे हैं और घुघुती उसमें से तोड़ तोड़ कर डाल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कौआ ले और मुझे क्या दे जा, बड़ा ले ले और मुझे सोने की घड़ी दे जा, खा ले पूरी मके दे जा सोने की छुरी, तो कह रहे हैं पूरी खा ले और मुझे सोने की छुरी दे दे। यहाँ तक बच्चों हमने पढ़ा, उससे आगे का हमारा पैराग्राफ है, इसके साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वह मांगते हैं और ना कितने अलग अलग अंदाज, मगर संक्रांति को मनाने के कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है तो कहीं पांच प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाते हैं। कहीं कहीं लोग का सैलाब नदी में स्नान करने के लिए उमड़ जाता है, उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्यौहार को कैसे मनाया जाता है, इसे खिचड़ी पोंगल मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्यौहार मनाती हो, यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इसी त्यौहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। तो क्या कहा है बच्चों, इसके साथ ही वह जिस चीज़ की कामना हो, जिस चीज़ की उनकी इच्छा हो, ठीक है, उसे मांगते हैं और सभी तरफ जो है अलग अलग अंदाज में मकर संक्रांति मनाई जाती है। कहीं गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है तो कहीं घुघुतिया बनाए जाते हैं, कहीं पांच प्रकार के अनाज की खिचड़ी बनाई जाती है, तो कहीं पे लोग क्या होते हैं सैलाब यानी भीड़, किसे कहा है सैलाब, सैलाब माने होता है बच्चों भीड़। जैसे मकर संक्रांति पे, जैसे माघ में मकर संक्रांति जो होती है तो उसमें लोग इलाहाबाद के में प्रयाग में स्नान करते हैं, कोई हरिद्वार स्नान करता है, तो इसी तरीके से कहते हैं कहीं कहीं पर जो भीड़ होती है नदी में स्नान करने के लिए भी उमड़ जाती है, ठीक है। और जो इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि पानी जो होता है इतना ठंडा होता है कि वो सोचते हैं कि इस पानी ठंडे पानी में कम से कम एक डुबकी तो लगा लें ताकि जो हमारे पाप हैं वो धुल जाए, ठीक है। हाल में इतनी भीड़ होती है इसमें स्नान करने के लिए, जैसे हरिद्वार और प्रयागराज में लोग जाते हैं, इतनी भीड़ होती है कि वहाँ जितना छोटा तिल होता है, तिल रखने की जगह मतलब कहा गया है, जितना छोटा तिल होता है इतनी भीड़ होती है कि वहाँ हम तिल को भी नहीं रख सकते, मतलब तिल भी वहाँ समा नहीं सकता, इतनी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ होती है। तो क्या हुआ, तिल से याद आया कि इसमें तिल से बने पकवान
बनाए जाते हैं। और मकर संक्रांति पे जो है तिल का बहुत ही महत्व माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर लोग नहाते हैं, कुछ लोग तिल दान करते हैं, आग में तिल डालकर तापते हैं, तिल के पकवान बना के रखते हैं। तो इस दिन जो है मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी के साथ साथ तिल के पकवान बनाने का भी बहुत महत्व है। घर और इलाके के में इस त्यौहार को अलग अलग से भी मनाया जाता है। हमारे घर या इलाके में इस त्यौहार को बहुत अलग अलग ढंग से भी मनाता है। कोई किसी धर्म का है तो वो, जैसे हमारे पड़ोस में कोई तमिलनाडु का आके रहने लगे और कोई केरल का आके रहने लगे तो वो अपनी, कोई गुजराती रहने लगे तो वो अलग अलग तरीके से मनाएंगे। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे घर या इलाके के पास भी अलग अलग तरीके से मनाया जा सकता है। इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है हमने पढ़ा था कि फसलों से संबंधित त्यौहार है। तो जिस धर्म के लोग भी फसलों से संबंधित त्यौहार मनाएंगे तो वो जो है इसे अलग अलग तरीके से मनाएंगे। हमें क्या कहते हैं, जो हमारे, हमें जब वो त्यौहार मनाएंगे तो हमें हैरानी भी होगी कि ये अपना त्यौहार कैसे मना रहे हैं, हम अपना त्यौहार ऐसे मनाते हैं, ये अपना त्यौहार कैसे मनाते हैं, तो इस बात की भी अभी हैरानी होगी। ऐसा नहीं है, हमारे अड़ोस पड़ोस में भी अनेक धर्मों के अनेक लोग, अनेक अनेक प्रांतों के लोग रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं, वो अपने त्यौहारों को अलग अलग ढंग से मनाते हैं, क्योंकि ये सभी त्यौहार फसलों से संबंधित हैं। इसीलिए बच्चों, जो हमारा चैप्टर था आज, हमारा जो पार्ट 2 था वो बिल्कुल पूरा हो गया है। आगे हम आपको इसके नोट्स भेजेंगे, जो कि वर्क आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।